ये मैंने क्या सोच लिया भगवान, अपने दोस्त की पत्नी के बारे में। विजय, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। मेरा कोई कसूर नहीं है विजय, मेरा विश्वास करो। मैंने तुम्हें खत लिखा था, एयरपोर्ट पे डैडी से मिलने के लिए तुम्हें बुलाया था, लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरे साथ क्या होगा। मेरा कोई कसूर नहीं है विजय, सारा कसूर गोपाल का है। गोपाल ने मुझे धोखा दिया है विजय। मैं तो शादी के मंडप पे भी यही सोचकर खुश होती रही कि मेरी शादी तुमसे हो रही है, तुम मेरे पति हो। मैंने आज तक गोपाल को अपना पति नहीं माना। मैं तो अब भी यही सोचती हूं कि तुम मेरे पति हो, तुम मेरे पति हो विजय, तुम मेरे पति हो। सीमा! वाह विजय वाह, क्या बात, ये बरसात और तूफानी रात सब खामोशी से सो रहे, लेकिन इश्क की आग में जलने वाले दो प्रेमी क्यों सच्चाई का सामना करने की हिम्मत नहीं तुम्हें? तू जो सोच रहा है वो सच्चाई नहीं है यार, मेरा यकीन कर। क्या मैं अंधा हूं? कैसे कर लो तुम्हारा यकीन? अगर तुम्हारी पत्नी कमरा छोड़कर अपने पुराने आशिक के कमरे में जाए तो क्या करते मेरा यकीन? हाँ जरा सोचो, अगर आईने में अपनी सूरतें देखोगे तो चेहरे पे सिर्फ गुनाह ही गुनाह नजर आएंगे। बेहोशी के इंजेक्शन का क्या फायदा उठाया तुम लोगों ने, नफरत होगी तुम दोनों से। तू इस वक्त ठीक से नहीं सोच रहा यार गोपाल, मुझे तेरे प्यार और तेरी दोस्ती की कसम, यहां किसी ने कोई पाप नहीं किया। अगर हमारी दोस्ती का जरा सा भी एहसास बच गया हो तो मेरा यकीन कर। बस अरे इडियट, मजाक भी नहीं समझता, जरा सा नाटक किया और बर्दाश्त नहीं हुआ, और हमें देखो क्या क्या बर्दाश्त कर लेते हैं। श्रीमती जी, आपको मालूम है कि आपके पति की तबीयत खराब है और इस वक्त आपको अपने पति के कमरे में होना चाहिए था, ना कि अपने पुराने प्रेमी के कमरे में, है ना?